जय श्री कृष्ण, जय धरती माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको धरती माता की कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों धरती माता की कहानी क्यों सुननी चाहिए? आपने सभी व्रत किए हैं लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी। अभी तक ना ही व्रत किया और ना ही उद्यापन किया तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए भी जमीन नसीब नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप धरती माता की कथा जरूर सुने, व्रत करें और फिर उद्यापन करें। एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर बार सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुओं का दान कर दिया। इसी तरह फिर एक दिन उसने अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराजी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराजी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसके धर्म पुण्य करने से मेरा सिंहासन हिल गया। इसके पश्चात धर्मराजी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहा और करता रहेगा तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोड़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोड़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बुढ़िया रहती थी। वह कोड़ी सारे दिन गाँव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोड़ी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोड़ी गांव भर में या कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बुढ़िया को यह आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है, मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है, उसे सर्दी लग रही होगी, शायद तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए, ना आप दिन में चैन लेती हैं ना ही हमें रात में सोने देती हैं, रात के 12 बज गए हैं, अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे, आपको तो नींद नहीं आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। और इस प्रकार कहकर बड़ी तीन बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया, परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोड़ी बैठा है। तब वह बहू उस कोड़ी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोड़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगे कि मैं कोड़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उसकी सब बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास से बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोड़ी को दे दो। यह बात सुनकर वह बहू कहने लगी कि माँ नहीं, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लग जाएगी और वह ठंड से मर जाएंगी। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी कि मेरे ऊपर जो गुदड़ी है वह तेरे पिताजी पर डाल दे और वह कंबल उतारकर उस भिखारी को दे दे। बहू ने ऐसा ही किया। हम तो फिर भी घर के भीतर रहते हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तत्पश्चात वह बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल को ले गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोड़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल दिया। इसके बाद कोड़ियां भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर
धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगी कि महाराज, यह लो कंबल, गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में यह मात्र एक कंबल ही बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगी कि अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देख बुढ़िया माई अचंभित रह गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई और फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या होगा। और फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले कि धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे कहाँ से धरती ला कर दूँ। यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से से स्वर में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हैं। तब धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई बिना रभाव से कहने लगी कि महाराज, मैं ये सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बताइए, आप बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम, मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बतलाइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए, मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊँगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे को धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा, फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तत्पश्चात धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गईं, तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर लेकर चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। तब उसका वह बेटा वो कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी तो भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, 8वें दिन में यहाँ से वापस चली जाऊँगी, मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है, धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी, मैंने धरती मोल नहीं ली इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली, जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी, मेरी प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन में वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है, यह सब सच कह रही है, भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा, इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सब बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहाँ औरतें भजन गा रही थीं। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मार कर ही दम लेगी, घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में छोड़ा नहीं, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी और अब यह फिर आ गई है। बहू की साफ बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही, बेटा तुम सबने मुझे नहला तो दिया
अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी और मुझे आगे धरती मिल जाएगी और बेटा फिर मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। और फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलाकर उसे कहानी सुनाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ इकलौता रोली मोली 5 सवा नाल का धागा गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहाँ चलकर हम सब और बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम भी सब चलो। तुम सभी इस कथा को सुनना जिससे मुझे और तुम्हें यह सब दुख ना उठाना पड़े। और फिर वह बुढ़िया माई अपनी बहू सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा 5 और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ इसे स्वीकार करो। धरती माता अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो, मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहुओं ने 1 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। और फिर वह जब सभी घर में लौटी तब बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी कि क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तुमने कुछ छोड़ा भी है क्या? तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। और यह सब बोलकर वह बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस में घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो उसने किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा तुम सब भी भोजन जिम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई ने उनसे फिर से कहने लगी कि बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी और अब यहाँ नहीं रहूँगी, आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथा स्थान में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगी कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूं, मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहां तक कि मैंने गुड़ चाय नमक यह तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ चाय पी लो, सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया है, वह तो अब उठेगी नहीं। और फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो, अब तो अकड़ के सोई हुई है और अब उठती ही नहीं है। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि आप चाय क्या पी रहे हैं, माँ तो मर गई
माँ को संभाल लूँ, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया, तब सबसे छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आप सब की सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे कि बताऊं। तब वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर वापस आ जाएंगी, इसे पानी का छींटा लगा कर उठा ले जाओ। तुम चार भाई बहुत हो, पांचवी की कोई जरूरत नहीं है, और उठा ले जाओ यहाँ से फटाफट और जला के आ जाओ, जिससे कि इसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थीं, बुढ़िया माई के बेटों को इस भांति जाते हुए देखकर वह सब समझ गईं और एक दूसरे से कहने लगीं कि बैसाख का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गवाए, चलो हम सब वहां भजन गाने के लिए चलते हैं, दो चार राम के नाम लिए जाएंगे। और यह विचार कर वह सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगीं। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगीं। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहू से कहने लगीं कि बहू जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब वह कहने लगी कि मरे ना मराए बुढ़िया माई उसे दाग देकर देखकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई, भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के पश्चात अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें, माँ तो मर गई और घर में भी कुछ नहीं छोड़ कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिला आएं, उनको रोटी पानी खिलाएं, आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देखेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊँगा। और फिर अब पड़ोसी ने अपनी घरवाली से चाय बनवाई और फिर चाय को लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल दिया। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बहू बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई की संदूक को खोला तो उसमें नोटों की गड्डियों को देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे गुड़ खांड के कट्टे भरे पड़े हुए थे, उसे नमक मिर्च सब मसाले सब सब्जियाँ मिली, रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई हूँ। यह सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप एक बार अंदर आइए। तब उसका पति कहने लगा कि अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगें और क्या करें, थोड़ी देर तो शांति रखूं। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोलकर देखा तो उसने देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गड्डियाँ भरी हुई हैं। फिर वह बोली कि अब रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहाँ पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत अधिक धन देकर गई हैं। तो फिर वह दोनों बाहर आईं और दरी पर बैठ गईं। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी कि उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, कांदियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरे में गईं, सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला
बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा तो की नहीं थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा, तो वह देखता है कि चूल्हे में आग लग रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी विचार मग्न हो गया और सोचने लगा कि इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई हैं, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वह हमें सब देकर गई हैं। हे धरती माता, जैसे अपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिली। सब बोलिए धरती माता की जय।